हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आने वाले समय कौन से आपका स्टॉक्स अच्छा स्टॉक्स जो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, और FII चुपके चुपके कौन से सेक्टर में पैसे डाल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, जहाँ से कि आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट रिस्क, बहुत ही मिनिमम रिस्क में एक अच्छे स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में एंड फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो कौन सा स्टॉक्स आपके लिए बेटर हो सकता है, जहां पे आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट मिल सकता है। तो हमारी प्रीवियस भी वीडियो देख सकते हैं, जहां पे जितने भी हमने स्टॉक सिलेक्शन की है वो स्टॉक्स बिल्कुल ही चले हैं, 100% चले हैं। जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी भी वैसे ही रिटर्न देता है। आप देखें 22,200 की हमने भविष्यवाणी की थी, वो पूरा का पूरा टच किया। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, उस डेटा के बारे में भी बात करें। अगर हम बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल, ये अपने 30 डेज में लगभग 12% से गिर चुका है। तो क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर गिरा हुआ है तो ये यहीं तक रहेगा या फिर और नीचे गिरेगा, इसके बारे में बात करेंगे। अभी इसका देखिए 5900 का क्या है यहाँ पर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट यहाँ से नीचे शिफ्ट होता है तो आपको 5800 मिलेगा। तो ये दोनों क्या है, इसके सपोर्ट हैं। अगर आप बात करें 1, 2, 3, 4 डेज पूरे आपको 7 to 8 डेज में 4 डेज उस लेवल को क्या है टच किया है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो इसका फर्स्ट टारगेट 6155 का होगा। फर्स्ट टारगेट 6155 का इमीडिएट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट 6300 का होगा। ये हमारा तो प्योर प्राइज एक्शन हुआ, लेकिन डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। आप प्रीवियस में भी देखें तो यहाँ पे क्या है, पॉज लिया था। अगर यहाँ से नीचे आता है तो इसका मिनिमम क्या है, आपको मैक 5800, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। प्रीवियस में भी एक अच्छा सपोर्ट था, तो ये एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है स्टॉक्स शॉर्ट टर्म में। अब शॉर्ट टर्म ये स्टॉक्स देगा तो क्या इसके डेटा भी इंडिकेशन में कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अपोलो हॉस्पिटल में लेके आता हूँ। देखिए अपोलो हॉस्पिटल में 6000 के ऊपर जो है एक अच्छा एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी आई है। डिलीवरी क्वांटिटी भी एक अच्छा गया है, एक अच्छा इस लेवल में एक अच्छा डिलीवरी यहाँ पे हुआ है। तो ये स्टॉक्स उसके अभी नीचे चल रहा है। अब इसके एवरेज प्राइस क्या है, 5495 का, जो बिग प्लेयर की बाइंग की प्राइस है 549। तो इसके नीचे तो अभी नहीं जाएगा मैक्सिमम, लेकिन 45 डेज के अपने लो 5795, लो इन द सेंस कि आपको क्लोजिंग प्राइस के लो में, नॉट लो, क्लोजिंग प्राइस के लो के ऊपर है 5795। ये इसका 5795 है, जो हमारा एक 5800 आपको प्राइस एक्शन भी निकल के आ रहा है। तो ये लेवल क्या है, एक इसके इमीडिएट सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट का लेवल। चलिए क्लियर है। अब ये ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, पहला इसका टारगेट 6027, 6169, 6285 जो हम तीनों बात कर चुके हैं ऊपर में, ये इसके टारगेट होंगे। तो ये टारगेट क्या अचीव होगा या नहीं होगा, ये तो कैश का बात रहा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस का कि ये क्या यहाँ पे अचीव होगा। तो मैं यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल लिख देता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अपोलो हॉस्पिटल का डेटा यहाँ पे आ गया। सपोर्ट इसके क्या है, 5974 का ये सपोर्ट है। ऑप्शंस में हमारा स्टॉक्स के अगर प्राइस एक्शन में देखें तो 5800 का आ रहा है, जो एक लेवल है। अब अपर साइड 6112 का क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट 6112 का है, अभी क्या 6000 के आसपास चल रहा है। तो क्या यहाँ से अपर के तरफ है। रेजिस्टेंस 6250, हमारा क्या टेबल लेवल है 6300। तो रेजिस्टेंस भी ये इंडिकेशन कर रहा है, यानी ऑप्शन चैन क्या है यहाँ से इंडिकेट कर रहा ऊपर के तरफ। कैश का भी डेटा स्लाइटली ऊपर की तरफ, प्राइस एक्शन भी ऊपर की तरफ। तो मैक्सिमम नीचे 5974 तक जा सकता है। वहाँ पर अगर आपको स्टॉक्स मिले तो आप इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं ऑप्शंस के लिए। ये हमारा एक सिंपल फर्स्ट स्टॉक रहा। चलिए अब सेकेंड स्टॉक्स हम देखते हैं कि सेकेंड स्टॉक्स हमारा क्या है, वो भी गिरा हुआ है। सेकेंड स्टॉक्स कौन सा ज़्यादा गिरा हुआ है, 30 डेज में देखें ये कोल इंडिया कितना है,
लगभग ये भी 11% गिरा हुआ है। इसके बाद ये डिवीज लैब है बीपीसीएल, लेकिन अब कोल इंडिया के हम एनालिसिस करेंगे। कोल इंडिया में क्या होगा, दूसरा कोल इंडिया है, कोल इंडिया की प्राइस अभी 415 के ऊपर क्लोजिंग है। अब इसके नीचे के सपोर्ट कहाँ, 400 के पास है, 400 के पास इसका एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है। ये सपोर्ट अगर एक्सटेंड होता है तो 390-385, ये आपको नीचे के दो सपोर्ट। अपर साइड इसका क्या है, 432 का न्यूट्रल पॉइंट और उसके ऊपर 450, तो ये 450 तक ऊपर जाएगा तो, नीचे जाएगा तो 400-390 तक। तो क्या ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये वन मंथ भी गिर चुका है, तो यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा इसकी हम एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे कोल इंडिया में क्या हुआ है, कैश में दोस्तों लास्ट में हम बोनस पॉइंट भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं। तो देखिए कोल इंडिया में कोई भी यहाँ पे अभी एंट्री नहीं आई है, यानी यहाँ पे बिग प्लेयर कोई यहाँ बाई नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे बिग प्लेयर ने क्या किया है, अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स के साथ टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी भी बढ़ाई है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी बढ़ाई है। इसके मैक्सिमम लोग 375-380 का आ रहा है, अब 375 के ऊपर से चलेगा तो पहला इसका टारगेट अभी तो 415 है, 415 के ऊपर 428-440 ये लेवल है, तो आप इसको नीचे के लिए 400 तक के लिए प्ले कर सकते हैं, 400 तक का, क्योंकि 420 इसका क्या है रेजिस्टेंस है, 433 रेजिस्टेंस है, 440 रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों अभी क्या है ऊपर नहीं जाने देंगे, इसको हम क्या करेंगे नीचे के लिए प्ले करेंगे। कहाँ तक, 400 के लिए और 390 के लिए, अभी 400 यहाँ पे और 390-380 के लिए, वहाँ से आप इसको ऊपर के लिए लेवल बनाइए, लेकिन 390 तक आने दीजिए इसको। अब इसको हम प्राइस एक्शन के साथ ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ये कोल इंडिया रहा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों, देखिए कोल इंडिया का डेटा आ गया, तो अभी क्या है 396, देख सपोर्ट क्या है 396, न्यूट्रल पॉइंट 420, रेजिस्टेंस 445 का, क्लोजिंग 415 के ऊपर है अपने न्यूट्रल पॉइंट्स के पास, तो वो क्या है रेजिस्टेंस के पास आएगा, रेजिस्टेंस के पास आएगा, तो कहाँ तक आपको 400 के पास 390 मैक्सिमम जा सकता है, 400 के नीचे अभी नहीं जाएगा, ये मैक्सिमम वहाँ से 5% आपको जाएगा तो 390 तक, तो यहाँ से आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ऊपर के लिए। अब कौन से स्टॉक्स में FII पैसे डाल रहे हैं, कौन से सेक्टर में डाल रहे हैं, इसकी बात करते हैं। तो चलिए अब 1 मार्च से मैंने डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है, अगर आप देखें इस डेटा के ऊपर तो इस फरवरी मार्च में इन्होंने केमिकल सेक्टर में एंड आपको केमिकल सेक्टर में ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं, फिनेंशियल सेक्टर में भी इनका पैसा आया 7 मार्च को। तो ये टाटा केमिकल आप देखे होंगे, ये हमने बात किया था इसे स्टॉक्स के टाटा केमिकल, उसके बाद नीचे भी आया क्योंकि ये रडार में आ गया था। इसके बाद अभी भी देखिए 12 को भी इन्होंने कैपिटल गुड्स एंड केमिकल में इस स्टॉक्स में देख सकते हैं दोस्तों, ये सब स्टॉक्स हैं JTL इंडिया और आपको केमिकल में LIND लिंडे इंडिया, ये सब है आपको हेल्थ केयर में VSSL में पैसा, एच हरकुलस में भी पैसा कैपिटल गुड्स में आया है। तो ये फिनेंशियल में, इसके बाद कैपिटल गुड्स में, कंस्ट्रक्शंस में कम पैसे, लेकिन फिनेंशियल एंड कैपिटल गुड्स में ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं। अब नेक्स्ट 15th के मैं आपको स्टॉक्स थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आप उसको एनालिसिस में अपने डाल सकें कि आपके भी एनालिसिस में ये स्टॉक्स आया है। तो आपको अगर देखिए टेगा TEGA स्टॉक्स कैपिटल गुड्स का ये आया है टेगा, और वेल WENDT वेंडेट कैपिटल गुड्स का, RK फोर्ज ये एक बहुत अच्छा स्टॉक्स है, आप इसको भी देख सकते हैं अपने नज़र में रडार में रख सकते हैं। तो आने वाले अब जो डेटा आएगा वो इसी सेक्टर में इनका पैसे का इन्वेस्टमेंट आएगा दोस्तों। तो आप इस तरह से इस स्कीनर से स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम, यहाँ पे देखिए ये 10 स्टॉक्स आएंगे, इसको मैं बहुत ही जल्दी अपने रडार में ले लूँगा और वहाँ पे एनालिसिस करूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसे स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे डेटा देखना है। FII कैश में भी यहाँ पर देखें बाइंग किए हैं इन्होंने 40,000 करोड़ का,
40,000 करोड़ का मार्च में यानी कैश में पैसे डाल रहे हैं। और ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डिस्कस करते हैं ऑप्शंस के लिए, तो ये सब कुछ आप सीख भी सकते हैं। स्किनर भी आप बना सकते हैं, मैंने वीडियो पोस्ट कर रखा है, दो जिसको चाहिए स्किनर हमसे संपर्क भी कर सकता है दोस्तों इस नंबर पर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके। दोस्तों डिस्क्लेमर है कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया है, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का पोजीशन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पर बाई सेल होल्ड करिए।